नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ समाज कल्याण अधिकारी हैं, सविता देवी जी हैं और महोबा जिले की ये अधिकारी हैं। इनसे बात करते हैं कैसे इन्होंने सिलेक्शन पाया। बुंदेलखंड से बिलोंग करती हैं और हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा माना जाता है, खासतौर पर बेटियों की शिक्षा पर यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँची है। इनसे बात करते हैं इनके सफ़र के बारे में। तो सबसे पहले तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे अपने सफ़र के बारे में आप ऑडियंस को बताएं, और ताकि और जो बेटियाँ हैं वो भी आपकी तरह निकल के अधिकारी बने और अपने माँ बाप का क्षेत्र का नाम रोशन करें। देखिए, अपनी ग्रेजुएशन की बात करूँ तो मैंने अपने एजुकेशन तो वहीं लोकल से ही की कम्प्लीट, और अगर वहाँ संसाधन की बात करें तो कोई रिसोर्स नहीं थे जिससे मैं UPSC या PSC की तैयारी कर सकूँ। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे ऐसे भी नहीं कि मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर हो, मुझे कोई कोचिंग, लेकिन हाँ मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और यही मेन चीज़ है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिर प्राइवेट कॉलेज से की थी। ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बाद मैंने लोकल से ही प्रीलिम्स तक की कोचिंग की। इसके बाद आया मेंस का चरण। तो जैसे कि आप जानते हैं PCS परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो मेंस में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम्स निकला तो मेंस कोई पढ़ाने वाला नहीं था वहाँ, उसी टाइम कोविड था तो कोविड में मैं बाहर भी नहीं जा पाई। तो फिर मैं डिसाइड किया कि मैं खुद ही करूँगी। उस बीच ऐसा हुआ कि ऑप्शन मैंने फिलोसफी ले लिया, किसी ने दिलवा दिया। फिलोसफी मुझे आती नहीं थी क्योंकि मैंने BSc ऑनर्स किया था। फिलोसफी मैंने फिर अपने बलबूते पर 3 महीने में मैंने सारा सिलेबस मेंस का कंपाइल किया, नोट्स बनाए, सारा कुछ किया, फिलोसफी कंप्लीट की और फिर मेंस दिया। तो मेंस मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। मेरा मेंस हुआ, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी, सब लोग दृष्टि मॉक देते हैं, सब कुछ करते हैं, मैंने कोई मॉक नहीं दिया। मॉक की ज़रूरत होती नहीं है, आपको खुद आप में कॉन्फिडेंस है, आप समझते हैं कि आप कितना रियलिस्टिक बोल सकते हैं, वही आपका मॉक है। तो मेरा भाई है जो तैयारी करवाता था, मम्मी डैडी मेरा इंटरव्यू लेते थे, वही एटलीस्ट मेरे आंसर जो चेक करने की होती है कि आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कैसे करें, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे ऐसे हैं तो वही पढ़ते थे कि आपका फ्लो बन रहा है या नहीं बन रहा है, कहीं टूट रहा, क्योंकि ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है आपका फ्लो। जैसे फ्लो टूटता है तो एग्जामिनर का मन वहाँ से उग जाता है। फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, इंटरव्यू दिया, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं और फिर रिजल्ट आया, विश्वास नहीं हुआ कि हाँ निकल गए। तो काफ़ी वहाँ से निकलने से एक फ़ायदा हुआ कि मेरी जो फैमिली है उनको तो एक तरीके से मुझे प्राउड हुआ ही, साथ में मेरे जो गांव में इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो गया, लड़कियों को पढ़ाने के उनको उनका ही मन करने लगा, लड़कियों को पढ़ाएंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे PSC की। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गांव का नाम और मेंशन कर दीजिए क्योंकि और जो लोग हैं वो जाने आपके गांव को भी जाने। मेरा नाम गांव का नाम है जो बड़ोकरी है, झांसी जिले में समथर एक टाउन है उसी में पड़ता है, समथर में पड़ता है। मैम, और भी बेटियाँ खासतौर पर अपने यहाँ के पेरेंट्स जो होते हैं स्टीरियोटाइपिकल सोच के होते हैं कि बच्चियों को बाहर नहीं निकालना है, नहीं पढ़ाना है, तो पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? मैं पेरेंट्स को ही कहूँगी, मेरे पेरेंट्स हैं जो मिसाल हैं, क्योंकि जब 2013 की बात है उस टाइम स्कूटी किसी के पास थी नहीं, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूटी दिलवाई कि गांव और समतर के बीच की दूरी है, मैं पढ़ती थी करीब 8-9 किलोमीटर कि डेली शाम सुबह कोचिंग में जा सकूँ। तो उन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया, ऐसी उनकी वजह से मैं यहाँ आज इस कुर्सी बैठी हुई हूँ। तो पेरेंट्स को ही कहूँगी कि आप बच्चों का भविष्य संवारिए, लड़की को आप इंडिपेंडेंट करेंगे तो कहते नहीं लड़की दो घर के लिए सीधा बरदान साबित होती है, तो उनके लड़की के बच्चे होंगे वो भी पढ़ पाएंगे, आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड भी ऊंचा उठेगा। और आजकल की सोच है पेरेंट्स की कि शादी कर देंगे बोझ है, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दहेज में भी उनको इतना खर्च करना पड़ता है, ओवरऑल वो झेलते हैं सारा। इसलिए पहले बच्चे को अपने पढ़ाएं, बच्ची को पढ़ा लेंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट खड़ी हो सकेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, आपको भी सपोर्ट मिलेगा, आपका सोशल जो है ना कि कब कितना पड़ता है तो वो भी हो जाएगा। तो पेरेंट्स से मेरी ये अपील है कि बच्चों को पढ़ाए, जिसमें उनका मन हो वो करने की उन्हें आज़ादी दे, तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। मैम, यहाँ पर कुर्सी पर बैठी हैं, सभी लोग आते हैं सलाम करते हैं, केविन में आते हैं, लेकिन मैम अभी खुश नहीं हैं और आगे जाएंगी, और इन फ्यूचर आप देखेंगे और आगे भी जब ये अगली सीढ़ी चढ़ेंगी, छत पे पहुंचेगी, तब भी हम इनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ मैम को एक दुख भी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं कराई जाती है, तो उसको लेकर भी मैम से चर्चा करते हैं। क्या मैम, जो आपने बात कही थी सरकारी विद्यालयों को लेकर, क्या क्या दिक्कत आपको समझ में आती है कि सरकारी विद्यालय क्या हो रहा है? एक्चुअली मैं 2-3 अभी विद्यालयों में गई हूँ जांच करने के लिए, तो वहाँ बच्चे शिकायत करते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं।
तो एक तो वह पढ़ाने वाली बात, ठीक है नहीं पढ़ाते तो सुधार करेंगे हम सब लोग मिलकर, लेकिन एक होता है ना कि आप बच्चों का नैतिक पतन कितना हो रहा है, जैसे डिजिटल युग में जा रहे हैं, मॉडर्निटी को अपना रहे हैं, लेकिन उनका जो एथिकल या मॉरल एस्पेक्ट है बहुत डाउन होता जा रहा है, मोबाइल गेमिंग सारी चीजें। तो टीचर्स को ना केवल पढ़ाना है बच्चों का, उनका स्पिरिचुअल और उनका मॉरलिटी, इन सबका डेवलपमेंट भी तो करना जरूरी है, टीचर का एक लाइबिलिटी है ये। तो टीचर्स को बच्चों को सही क्या है गलत क्या है तो ये सबकी शिक्षा देनी चाहिए साथ में पढ़ाने के साथ। जब बच्चों की नींव शुरुआत से ही अगर मजबूत होगी तो वो आगे PCS के लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर इस फील्ड में ना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इतनी सारी जॉब्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, खुद खड़े कर सकते हैं, दूसरों को जॉब दे सकते हैं, और ये सब तभी संभव होगा जब टीचर्स अच्छा पढ़ाएंगे। बिल्कुल। और मैम बात करते हैं आपके विभाग की, चूँकि समाज कल्याण से जुड़ा है तो आप ये भी बता दीजिएगा कैसे आपका विभाग समाज का कल्याण करता है, कैसे कल्याण होता है लोगों का। देखिए इस सरकार के इतने भी जो मंशा होती है, इतनी भी योजनाएं, सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं समाज कल्याण विभाग से संचालित होती हैं। इनमें प्रमुख है वृद्धावस्था पेंशन योजना जो 60 वर्ष से ऊपर दी जाती है। इसमें क्या है, सरकार का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो वृद्ध लोग हैं 60 वर्ष से एज अपनी ऊपर है उनकी, तो वो अप्लाई करेंगे, उनको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, तो आर्थिक स्वावलंबन तरीके से। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ से पारिवारिक लाभ योजना भी संचालित होती है। इसमें जो अगर परिवार का कोई कमाऊ मुखिया उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम उसको 30,000 रुपये एक मुफ्त देते हैं। हमारे यहाँ से स्कॉलरशिप का पूरा काम होता है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने आगे की पढ़ाई अच्छे से करें, पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक दोनों चलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ओल्ड एज जो होम है, वृद्धाश्रम, तो वहाँ जो बूढ़े लोग हैं उनका फैमिली ने कहीं निकाल दिया, उन्हें बेसहारा हो गए, बेघर हो गए, खुद अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो हम वो भी संचालित करते हैं। अच्छा, तो वो लोग यहाँ जैसे ओल्ड लोग जो है, हाँ, फैमिली वाले रख रखाव नहीं करते, तो वो यहाँ आके आपसे मिले या ओल्ड एज होम में जाए, क्या क्या प्रोसेस होता है? इसमें प्रोसेस होती है कि वह सीधा अपना ओल्ड एज होम में आ सकते हैं। जैसे हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि NGO चलाता है महोबा में, तो वो आएंगे सीधा, उनको बिना किसी उसके ले लिया जाएगा, फिर उनके डॉक्यूमेंट हम लोग कंप्लीट करवाते हैं, उनका आधार कार्ड जो मैंडेटरी होता है उसमें फिर उनकी स्वीकृति ले लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें पहले रख लेते हैं वहाँ पे, खाना उनके लिए, कपड़े, हर चीज़, औषधि, सब कुछ फ्री है। बढ़िया। हमारे यहाँ पे राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित होते हैं, इसमें 6 से 12 के बच्चे जो निःशुल्क आवासीय विद्यालय हैं, तो उनके खाने का, पीने का, किताब, उनकी छोटी छोटी चीज़ लेकर बड़ी चीज़ सारा हम लोग ही उनका खर्च वहन करते हैं। मैं ये बताइए, जो आपने पढ़ाई की और यहाँ पर कुर्सी पर आप बैठी हैं, तो किन चीज़ों पे आपने फोकस किया 12th से लेकर या ग्रेजुएशन में? क्या CBSE की किताबें ज़्यादा, NCERT ज़्यादा पढ़ती थी या क्या पढ़ती थी, किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा किया आपने? देखिए मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड कह नहीं सकते, मतलब ठीक रही है, बहुत अच्छी तो नहीं है, मतलब परसेंटेज वाइज अच्छी रही है, लेकिन आप कहें कि आप PSC की लाइन में जाएंगे तो हिसाब से नहीं। सब लोग कहते हैं कि उनका डिलेमा होता है NCERT हम पूरी पढ़ लें तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी थिंकिंग मैटर करती है, आप न्यूज़पेपर है उनसे अपनी थिंकिंग बनाइए, डिस्कस करिए। तो मैंने NCERT पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, हिस्ट्री कुछ पढ़ी थी, इसके अलावा ज्योग्राफी की कुछ पढ़ी थी, और मैंने कोई NCERT नहीं पढ़ी, ना मुझे टाइम मिला कि पढ़ूँ, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर बहुत पढ़े हैं। इसके अलावा मेरी हिंदी जो अच्छी हुई, क्योंकि मेरा मीडियम है जो हिंदी है, तो मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ही शौक है, तो मैं 50+ नॉवेल्स पढ़ चुकी हूँ, तो वहाँ से मेरी थिंकिंग एकदम से ग्रो करी, वहाँ से मैंने जो लिखने का राइटिंग स्किल है वो ही मैंने सीखी, तो मैं राइटिंग स्किल अच्छे से कर पाई वहाँ एग्ज़ाम में, कम प्रैक्टिस में ही अच्छा। तो बच्चों को आजकल क्या करना चाहिए, बहुत सारे मटेरियल पर स्टिक करते हैं वो, ये सब छोड़कर एक चीज़ अपनाएं, और मेन है UPSC हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिवीजन नहीं, आपके माइंड में अगर कुछ नहीं है, माइंड खाली है, तो आप कितना भी कुछ कर लें, कितनी बड़ी कोचिंग चले जाएँ, कुछ भी नहीं होगा। आपका बेसिकली आपकी डिग्री कोई मायने रखती है, आपका मायने रखता है आपका व्यक्तित्व कितना है, पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, आपको नॉलेज कितनी है, और नॉलेज ऐसी नहीं कि आप मतलब भ्रामक नॉलेज हो कि सही या गलत की नॉलेज क्या है। और मेन है कि आप रिवीजन ही करते रहें, जो पढ़ा आपने आप सही पढ़ें, ऑथेंटिक सोर्स लें और उसको रिवाइज करें। आपने 50+ नॉवेल्स बताए, कुछ नॉवेल्स हमें भी बता दीजिए, हम भी टाइम निकाल के पढ़ेंगे, हमारी ऑडियंस भी पढ़ेगी। मैम देखिए, एक तो मैं बताती हूँ, भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा हुआ है भीष्म सैनी का तमस नॉवेल, तो इसमें जो 3-4 दिन की विस्का के बारे में बताया, कैसे जो हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान अलग हुए थे, तो उस टाइम पे मुसलमानों को यहाँ से निकाला जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आ रहे थे, तो ट्रेन में कितना मतलब खून खराब हुआ था, मतलब विभीषिका को दर्शाता है एकदम से, बहुत ही मन को उद्धृत करने वाला नॉवेल है। मैंने पढ़ा था एक मन्नू भंडारी का आपका बंटी, इसमें आजकल की प्रॉब्लम्स बताई गई है कि बच्चे जैसे जो पेरेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो बच्चों पर क्या बीतती, छोटा सा बच्चा रहता है 5-6 साल का,
बंटी, तो वो कभी मम्मी के पास जाना, कभी पापा के पास, उससे कभी दोनों लोग साथ मिल ही नहीं पाते, तो उसका मतलब तरीके से वो घुटन में रहता है, तो दोनों के डिसीजन के आगे बच्चे की क्या दुर्दशा होती है तो उसमें बताया गया है। बिल्कुल। अब बच्चियों के लिए आपका खास संदेश जो आप उन्हें देना चाहें। बच्चियों के लिए अगर पेरेंट्स अच्छे मिलते हैं तो बच्चियां खूब मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा मौका है लाइफ में। आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। शादी भी हो जाए तो किसी पैसे नहीं मांगने कि हमें ये चाहिए। आप अगर अच्छा करेंगी तो आपके जो एनवायरमेंट में होगा एक अच्छा संदेश जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं तो ये लड़कियों को खुद ही करना चाहिए कि उन पर भरोसा दिलाएं कि हम अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो मैं जितने भी अपने टेस्ट कोचिंग में टेस्ट होते थे कुछ भी मैं फर्स्ट आती थी। मुझे डैडी को फिर विश्वास होने लगा कि हाँ मेरी बच्ची कर लेगी एकदम से। मतलब भैया ना घर वालों का विश्वास जीतिए कि हाँ हम कर लेंगे। तो जो है कि आप जो भी काम करें, एक बात कहती हूँ मैंने जो तैयारी की है कम टाइम में कैसे रिजल्ट आया, तो मैं कुछ भी करती थी, चाहे मैं खाना बनाती थी, कुछ भी एक्स वाई जेड, मेरे माइंड में वही सब चलता रहता था। हाँ राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया ये है, मतलब कैसे इसमें ब्रिक्स कंट्रीज कैसे अच्छा हो सकता है, तो मेरा रिवीजन टाइम भाई होता था। मम्मी की हेल्प करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया, मैंने खेत का भी काम किया, घर का भी काम किया। अच्छा खेत का भी काम किया है, बिल्कुल कमाल। ये देखिए तो आपके सामने अधिकारी बैठी हैं जो खेत में भी काम करती थी, अपने माँ बाप का हाथ बटाती थी, तो आप ये बहाना छोड़िए और पढ़ाई करिए। बिल्कुल, तो आपका भाई है ना, आप जिस काम में लगी हुई है उस काम करिए, लेकिन आपकी माइंड, आपका जो फोकस है वो आपकी किताबों पर होना चाहिए कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था और इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है साथ में। और जो बच्चे हैं उनको अगर जाना चाहते हैं तो प्रीवियस के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पकड़ना सीख गए तो आप मतलब समझ लीजिए 50% परीक्षा आपने पास कर ली है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम की बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाइएगा। धन्यवाद।